भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नल जल योजना, खुलेआम मुखिया द्वारा मांगी जा रही है रिश्वत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है रिश्वत मांगने का ऑडियो। मामला सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के रामपुर करोड़ी पंचायत का है। वाह वाह, क्या कहना है, 10% कमीशन खोरी नेताजी। यह है सीतामढ़ी के जिले के 10% कमीशन वाले मुखिया जी, घरारी बेचकर भी इनको चाहिए नल जल योजना में कमीशन। यह है सीतामढ़ी के 10% कमीशन वाले मुखिया जी, फोन पर जो नल जल के तहत हुए काम का वार्ड सदस्य से कमीशन मांग रहे हैं। मुखिया जी का ये ऑडियो सामने आने के बाद से बिहार में नल जल को लेकर जो बड़े घोटाले की बात हो रही थी, उस बात को मुखिया जी ये ऑडियो सही साबित कर रहा है। दरअसल रामपुर करोड़ी पंचायत के मुखिया रामाशंकर दास जो अपने पंचायत के वार्ड सदस्य 17 के वार्ड सदस्य गांधी देवी के फोन में कमीशन की बात कर रहे हैं। मुखिया जी घरारी बेचकर भी वार्ड मेंबर को कमीशन की राशि चुकता कर देने के लिए धमका रहे हैं। मुखिया जी का कहना है कि वह कहीं से भी उनके कमीशन के पैसे उन्हें पहुंचा दें। यह मुखिया नल जल योजना के तहत हुए काम के अवैध में घूस के तौर पर कमीशन मांग रहा है। दरअसल ऑडियो में वार्ड सदस्य अपने परिवार के लोगों का तबीयत खराब होने का हवाला देती है। इससे मुखिया जी कहते हैं कि तबीयत खराब होने का हिसाब किताब से क्या लेना देना है, आप मुझे मेरा कमीशन पहुंचा दीजिए। 5% मेरे सचिव तथा 5% मेरा कमीशन की हालात में चाहिए। यह ऑडियो सामने आने के बाद से नल जल योजना में कमीशन खोरी और घूसखोरी की पोल खोलकर रख दी है। यह आप रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ हिसाब किताब के? हिसाब किताब के क्या हुआ? हिसाब किताब के अपने के कहिए ना, हमारा धिया पुता सा कितना तबियत खराब है। तबियत खराब हो से हिसाब किताब को कौन फर्क पड़े छे? सुनो ना, हिसाब किताब अभी हमारा एम बी न भेलक अथी के नली गली के एम बी होबे न कलैया। नली गली के न हो तो नल जल के भे गेले न? नल जल के भे गेलन तब नल जल में अहाँ के भे गेलन तब नल जल में हमारा कै गो रुपया बचलन से हम न जाने कै गो रुपया बचल से हिसाब चाहिए हम बताते सुनिए।